हे गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज चुके हैं 7:34 और बाकी अभी मैं जा रही हूँ छत पे। मैंने आपको बताया था कि मैंने कटिंग करनी है प्लांट्स में, कुछ कुछ बहुत ज़्यादा बड़े हो गए तो उनकी कटिंग करनी है। बस अभी मैंने सुबह की चाय तो बना ली है और बाकी फिर छत पर चलते हैं और बाकी कपड़े भी फैलाने हैं। अभी धोए में कल रात को धोए थे तो बाकी अभी फैला देंगे। अभी मम्मी कह रहे कि अभी धूप से निकल जाएगी तब, बाहर का मौसम बहुत ठंडा हो रखा है। और बस फिर फटाफट चाय पी के ऊपर चलते हैं, मतलब जो बड़े बड़े हो रखे हैं प्लांट्स उनकी कटिंग कर देंगे। चलते मम्मी कर रहे हैं काम। हाँ बना देना, आज मार देना। तो ये ताला तो दिया। बाकी सूर्य भगवान जी तो आ गया। ये देखो आज मौसम साफ है उसका मतलब। बाकी मैं प्लांट्स की कटिंग करती हूँ, फटाफट पानी भी दे गए हैं, पानी भी देना है इनको, बस करते हैं फटाफट। बाकी कबूतर देखो सुबह सुबह कैसे बैठे, स्टार्ट हो जाते हैं कटिंग करने फटाफट, क्योंकि टाइम ज़्यादा और फिर नीचे का काम भी करना है। ये कटिंग तो कर दी है, देखो इसकी भी कटिंग कर दी, इसकी भी कटिंग कर दी। अब इसकी करनी है, अब ये देखती हूँ कहाँ से करनी है। इसको उतारना पड़ेगा और पीछे वाले को भी करना है। पहले गुलाब की कटिंग कर देते हैं। कंडे कितने तेज है इसके, ये देखो इसमें कंडे देखो तेज है। कटिंग करने की, अगर हम कटिंग नहीं करेंगे देखो फिर नवी ब्रांच नहीं आएगी। दिख रहा है नवी ब्रांच आ रखी है। ये मैंने कैमरा पकड़ा नहीं तो मैं अच्छे से देख के करती इसकी कटिंग। बाकी चलो ये देखो नवी ब्रांच तभी आ रही है ये, क्योंकि हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। अब इसकी भी कर देते हैं, मतलब कटिंग की हुई है ना पहले यहाँ से, तो इसमें नवी ब्रांच निकल के आ रही है। अब और कटिंग कर दी तो और ब्रांचें आ जाएंगी। अब जब सारी कटिंग कर दूंगी ना मैं, मतलब जब सारा कंप्लीट कर दूंगी कटिंग का काम, तो फिर उसके बाद दिखाऊंगी आपको। अब इसकी न्यू ब्रांचेस आ रही हैं, अब इनकी पुरानी कटिंग कर देंगे। मैंने जो पौधे में अलग से लगाई हुई थी बेल, मटर बेल, तो वो निकाल दिए मैंने और देखो कितनी लंबी हो रखी है। ये देखो पहले तो ये देखो इस प्लांट में थी तो मैंने ये निकाल दी है। ये न्यू प्लांट आप दिख रहा होगा आपको, देखो सारा साफ कर दिया, इसकी जड़ें भी निकाल दी है, थोड़ी थोड़ी रह गई वो भी कर दूंगी। और बाकी ये देखो
कितनी लंबी लंबी रखी। ऐसे पकड़ो तो देखो कितनी बड़ी है। अब मैं इसे ना अलग से भी कर दूंगी और टाइम वैसे 8:30 हो चुके हैं। ये देखो आपको दिखा देती हूँ, 8:30 हो चुके हैं। अब देखते हैं कब तक होता है। और मेरा यही काम है कि अगर मैं एक बार लग जाती हूँ ना तो बहुत, जब तक करके काम नहीं हटूंगी ना तब तक लगी रहती हूँ। तो मेरे को बार बार बीच में रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। चलो कोई नहीं, बाद में बात करें। सारा काम हो गया और टाइम हो चुका है, इस टाइम 11 बज गए, 7 मिनट रह गए, 11 बज गए। और सारा काम अब हुआ मेरा, सारी मिट्टी भी, सारा झाड़ पोड़ सारी कटिंग करके सारा फेंक आई हूँ मैं। बाकी अब मम्मी ने कपड़े फैला रखे, कटिंग कर दिए। मैं जा रही हूँ नीचे नहाने, मेरे को बहुत अजीब से मिट्टी मिट्टी हो गई, सारे हाथ धो लिए मैंने। फिर अब मैं नीचे जा रही हूँ, मम्मी हाथ मंजा उछवा देती हूँ और उसके बाद फिर नीचे चली जाती हूँ। पर धूम में यहीं लेटेंगे और मैं जाके पहले नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद रोटी खाऊंगी। कुछ ऐसे फैला दिए हमने, सर्दियों में हम ऐसे ही करते हैं क्योंकि धूप इस तरफ। ये मेथी के परोठे और गाजर आलू, बाकी भाई देख रहे टीवी, मैं उधर चलती हूँ। चली जाए और बाकी मैं बना रही हूँ चाय। ये चाय बना रही, इसमें बना रही। मैंने नहा लिया, सब कुछ कर लिया, कपड़े भी धो दिए। आज टंकी के पानी में नहाना पड़ा, ठंडा ठंडा पानी था क्योंकि लेट हो गए थे ना, पानी तो सुबह 9 बजे चला जाता है, आजकल 9:30 जाने लग गए। डर के अपना नहा के कपड़े फैलाया ही ऊपर सब कुछ, बाकी अब चाय बना लेती हूँ आराम से। मैं तो फ्रेंड्स अभी मैं चावल बनाने लगी हूँ, और ये जैकेट मैंने ऊपर से ओढ़ी हुई है बस, वैसे नहीं, मैं कंबल में लेटी हुई थी। तो मैं चावल बनाने लगी हूँ, मम्मी ने काट दिया सब्जी वगैरह, तो मतलब आलू मटर, ये देखो आलू मटर प्याज टमाटर, बस मुझे चढ़ाने हैं। अमरूद खा ली, मैं चावल चढ़ा देती हूँ। चावल बना दिए थे अब दोपहर के लिए, देखो ये बन गया चावल, आलू मटर वाले चावल। और अब ये खा लेते हैं, टाइम हो चुका है 2:15। खाते खाना भाई, भारी लगा पेंटिंग में अपने, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई ना, अभी तो उसने ब्राउन कलर भी लाना है, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगी अभी जब वो कर लेगा थोड़ा। मेरा ना कंधा दीवार से टकरा गया, तो मेरा टीका लगा हुआ था, दर्द होगी। चाय बना के ले कह रही थी और आज चाय मैं इसमें पी रही हूँ। भाई के बर्थडे के बचे हुए हैं, क्योंकि भाई कोल्ड ड्रिंक भी लेके आया था ना, तो उसमें 5-6-7 गिलास बच गए थे, तो मैंने कहा कोई नहीं इसमें भी लेते हैं। बाकी अब कंधा दर्द करने लगा, वहीं पर सीधा टकरा गया, जहाँ से टीका लगा था ना वहीं लग गया, थोड़ा सा दर्द होने लग गया। और आज मैंने काम भी ज़्यादा किया ना, कहने का मतलब पूरे ऊपर की सफाई की, गमले वगैरह मिट्टी, फालतू मिट्टी पड़ी हुई थी वो सारी गियर की आनी पड़ी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हाथ हल्का हल्का पेन हो रहा है, ज़्यादा नहीं है वैसे ही है। और अब ज़्यादा अब लग गया ना तो हो रही है, वैसे नहीं है। बाकी मम्मी और तो लेट गए हैं, सो रहे हैं। मम्मी कल थक गए थे ना, मम्मी ने मशीन लगाई थी, फिर मम्मी और बाहर चले गए थे, फिर रात को आए, फिर अपना सो गए, फिर सुबह का काम किया क्योंकि मैंने तो गमलों का करना था। तो मम्मी ने रोटी सब्जी करी, रोटी सब्जी नहीं क्योंकि हमने परोठे ही खाए थे। चलो फ्रेंड्स बाकी अभी तो बाद में बात करते हैं। मैंने तो गाजर खा ली थी, रात की थोड़ी सी बची हुई थी वो ही मैंने खा ली, बाकी भाई उन्होंने तो परोठे खाए थे चाय के साथ, इसलिए मम्मी थक गए थे ना तो इसलिए अब सो रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं एडिटिंग करने लगी हूँ, मैंने सारी वीडियो सेलेक्ट करी, सारी सेलेक्ट करी तो देखा कि मैंने रात का ब्लॉग का एंड नहीं किया हुआ। तो फ्रेंड्स बाकी मैं इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। तो हे गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक किया करो, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।